बूस्टर जेट पेट्रोल इंजन आखिर क्या है? ऐसी क्या चीज है जो इसे बाकी सभी इंजन से अलग रखती है? कुछ तो खास बात होगी। आखिर मारुति इतना बड़ा दांव क्यों खेलने जा रही है अपने इस इंजन के साथ, जबकि उसके पास ऑलरेडी काफी ट्राइड एंड टेस्टेड K12 पेट्रोल इंजन पहले से ही मौजूद है, जो अपनी बेहतरीन फ्यूल इकोनॉमी के लिए पसंद किया गया है। चलिए आज यही समझते हैं और जानते हैं बलेनो RS की नई प्राइस क्या है। बने रहिए हमारे साथ, मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कारगुरु। सुजुकी ने काफी समय पहले ही अपने बूस्टर जेट पेट्रोल इंजन के बारे में लोगों को बताना शुरू कर दिया था। रीजन ये है कि ये बूस्टर जेट पेट्रोल इंजन ऑलरेडी यूरोपियन मार्केट में पहले से ही मौजूद है। इस बूस्टर जेट पेट्रोल इंजन के साथ बलेनो आज लॉन्च की गई है। इस बूस्टर जेट पेट्रोल इंजन के अलावा आपको क्या क्या और मिल रहा है इस बलेनो में समझते हैं। फ्रंट में बड़ी क्रोम स्ट्रिप मिल रही है, जो बिल्कुल पुरानी वाली बलेनो से बिल्कुल अलग सी दिखती है। प्रोजेक्शन हेडलैम्प, डे टाइम रनिंग लाइट, बड़ी साइज के व्हील्स, ब्लैक कलर कैडिंग के साथ, और इंटीरियर में आपको मिल रहा है एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसमें आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो मिरर, रियर पार्किंग कैमरा, पार्किंग सेंसर्स जैसी सहूलियत भी शामिल है। टर्बोचार्ज्ड होने की वजह से ये पेट्रोल इंजन सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पावर का मज़ा उठा सकें। अभी फिलहाल इस कार को सिर्फ एक टॉप एंड वेरिएंट यानी अल्फा वेरिएंट के साथ ही लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूं कि फ्यूचर में अगर डिमांड बढ़ेगी तो इस कार को और लोअर वेरिएंट में भी लॉन्च किया जा सकता है। साथ ही ये इंजन नई स्विफ्ट में भी दिया जा सकता है, लेकिन अभी ऐसी कोई कन्फर्म खबरें नहीं आ रही हैं सुजुकी की तरफ से कि वो ऐसा करेगी ही करेगी, लेकिन भारतीय बाजार में इसे अब लॉन्च किया जा रहा है। वजह बहुत सारी है। हमें आदत है चीज़ों को देर से एक्सेप्ट करने की, इसलिए कंपनीज को भी आदत पड़ चुकी है हमें देर से अपने बेहतरीन प्रोडक्ट भेजने की। बूस्टर जेट पेट्रोल इंजन, जिसके बारे में बहुत सारी बात की जा रही है कि ये साइज में छोटा है, इसकी कैपेसिटी कम है और पावर ज़्यादा है, ये सच है कि ये 1 लीटर बूस्टर जेट पेट्रोल इंजन साइज में K12 इंजन से छोटा है और हल्का भी है, जिसकी वजह से गाड़ी से एक्स्ट्रा वेट कम हो जाता है। 1 लीटर बूस्टर जेट पेट्रोल इंजन एक्चुअल में एक टर्बो चार्ज्ड पेट्रोल इंजन है। 1 लीटर बूस्टर जेट पेट्रोल इंजन आपको देता है 102 BHP की पावर। ये 3 सिलेंडर मोटर अपने टर्बो चार्ज्ड होने की वजह से इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस दे पाती है। आइए समझते हैं टर्बो चार्ज्ड का मतलब क्या है और ये कैसे नॉर्मल इंजन से अलग होता है। नॉर्मल इंजन में हमारे इंजन के इंजेक्टर फ्यूल को चैम्बर में बर्न होने के लिए भेजते हैं और ऑक्सीजन एक एयर इंटेक के थ्रू भीतर आती है, जो एक साथ बर्न होती है और कार को परफॉर्मेंस देती है। लेकिन बूस्टर जेट पेट्रोल इंजन में ये एयर और फ्यूल दोनों पहले ही एक जगह मिक्स कर लिए जाते हैं और चैम्बर में पहले से ही प्री मिक्स्ड हाई प्रेशर एयर और फ्यूल दोनों भेजे जाते हैं, जिसकी वजह से चैम्बर में पहले से ही काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन और फ्यूल मौजूद होता है, जो बर्न होते समय ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। यही ज़्यादा एनर्जी कार को एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है। इंडियन मार्केट में पहले से ही ऑलरेडी कई टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मौजूद हैं, जैसे फॉक्सवैगन का TSI, ऑडी ने TFSI, फोर्ड का इकोबूस्ट पेट्रोल इंजन, ये सारे टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन ही है। अब जब ये कंफर्म है कि टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन ज़्यादा पावर देते हैं, तो क्या ये बेहतरीन फ्यूल इफिशेंसी भी देते हैं? यहाँ एक बहुत बड़ा मिथ है कि छोटी साइज का पेट्रोल इंजन हमेशा कम फ्यूल कंज्यूम करता है, जबकि सच्चाई बिल्कुल इसके विपरीत है। एक टर्बोचार्ज इंजन जब उसको एक्स्ट्रा टर्बोचार्ज दिया जाता है, यानी जब उससे टर्बो एक्टिवेट होता है, तब वो ज़्यादा फ्यूल भी बर्न करता है।
अब सिंपल लैंग्वेज में समझे, जब आप कार को ज्यादा रेस देते हैं तो ईसीयू फ्यूल पंप के जरिए ज्यादा पेट्रोल और ज्यादा एयर इंजन के बर्निंग चैम्बर में भेज देता है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा पावर मिल सके। ये ज्यादा पावर तो आपको मिल जाती है लेकिन ज्यादा फ्यूल कंजप्शन होने की कॉस्ट पर, यानी आपको जो भी एक्स्ट्रा पावर मिल रही है उसके बदले में आपसे ज्यादा फ्यूल लिया जा रहा है। इस बात को समझिए, नॉर्मल एडवर्टाइज की हुई एवरेज की फिगर से बिल्कुल अलग होता है ये। अब आप जानना चाहते होंगे कि आखिर ये कार एक्चुअल में क्या एवरेज देगी। ये कार अपने टर्बोजेट होने की वजह से 6 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल से लेकर आपको 16 किलोमीटर पर लीटर तक का एवरेज दे सकती है। अब आप पूछेंगे इतना ज्यादा अंतर क्यों, बिल्कुल ये अंतर परिस्थितियों जन्य उपलब्ध रहेगा। मतलब जब आप ज्यादा पावर कंज्यूम करेंगे तो ये ज्यादा एवरेज नहीं देगा, जब आप इससे कम से कम पावर लेंगे तब ये आपको ज्यादा से ज्यादा एवरेज देगा। तो अगर इस इंजन से आपको ज्यादा एवरेज चाहिए तो एक्सेलेरेशन मत दीजिए और आप इसी टर्बोजेट पेट्रोल इंजन से आप ज्यादा अच्छा एवरेज ले सकते हैं। लेकिन जब आपको ज्यादा पावर जरूरत है तो फिर एवरेज से आपको हाथ धोना पड़ेगा। बलेनो की अगर आप प्राइस जानना चाहते हैं तो मैं आपको एक क्लिप शो कर रहा हूँ, आप इसमें प्राइस देख सकते हैं कि नई बलेनो RS की क्या प्राइस है। ज्यादा डिटेल अगर आप इस कार के बारे में जानना चाहते हैं नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ सकते हैं कि कार की एक्स शोरूम प्राइस क्या है और इस बारे में क्या स्पेसिफिकेशन है, वो सारी जानकारी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। तो प्लीज डिस्क्रिप्शन पढ़ना ना भूलें। अगर आपके कोई सवाल है कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। हालांकि मुझे रोज ही हजारों सवालों के जवाब देने होते हैं तो हो सकता है मुझे थोड़ा वक्त लगे, आप पेशेंस बना के रखें, मैं जल्दी आपके सवालों के जवाब अवश्य दूंगा। तो बने रहें हमारे साथ। कार आज लॉन्च हो चुकी है, आपके शोरूम्स में भी पहुंच रही होंगी, बहुत जल्दी आपको टेस्ट ड्राइव के लिए उपलब्ध हो जाएंगी। आप भी चलाइए और मुझसे अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपको ये बूस्टर जेट पेट्रोल इंजन कैसा लगा चलाने में। ये तो था एक ओवरव्यू आने वाली बलेनो RS 1 लीटर बूस्टर जेट पेट्रोल इंजन के बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, अगर पसंद ना आया हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है लाइक कीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगता है। मैं अमित अपने प्रोग्राम में न्यूज रिव्यूज आपके क्वेश्चन आंसर्स और नई नई कारों के बारे में आपसे बात किया करता हूँ। अगर आप हमारे वीडियो को रेगुलर और टाइम से देखना चाहते हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को अभी दबाना ना भूलें। एज ए VIP सब्सक्राइबर अगर सबसे पहले आप हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो बगल में दी गई नोटिफिकेशन बेल को पुश करना ना भूलें। मैं अमित अब आपसे इजाजत चाहता हूँ, हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आस्क कार गुरु।